अच्छा जी, एक और हमारी बहन है आई हुई है, लेकिन हम कुछ चीज़ें आपसे शेयर इसलिए कर रहे हैं कि हम वो ना करें जिससे नुकसान हो रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को उन चीज़ों से रोकें जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है और जिनके इतने एड्स हैं, वो चीज़ें लगाते हैं, शौक में लगाते हैं, सस्ती भी लगती है लेकिन अब वो भी महंगी हैं। मतलब जहर खाना ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदा जो नुकसान हो रहा है। अच्छा, आप जो फेस वॉश लगा रही थी उसका नाम ना लीजिएगा, बहुत बड़ा ब्रांड है, बुरी बात है, मार्केट करते हैं वो लोग, उनको नुकसान होगा। लेकिन कितने टाइम से लगा रहे थे? तकरीबन एक डेढ़ साल से। एक डेढ़ साल से लगा रही थी, एक डेढ़ साल से कंटिन्यूसली वो लगाई थी, इनकी सिस्ट हो गई एग्जैक्टली। अभी मैंने एक पेशेंट आपको दिखाया था, इधर ही मलीर का था और इससे पहले था। आज ही हमने, अगर फ़र्ज कीजिए, हमने यहाँ पे 10-15 पेशेंट देखे हैं जिसमें से 7-8 पेशेंट वही ब्रांड का फेस वॉश लगा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। क्यों डॉक्टर साहब, यही ये अभी आप लोग भी साथ मौजूद थे, तो कम से कम, क्योंकि यहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है, या जो ये ब्रांड्स वाले जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये कम से कम चीज़ें ऐसी दें काइंडली कि इन लोगों को जो यहाँ का क्लाइमेट है कराची का, वो ह्यूमिड क्लाइमेट है, और इस ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़रा सी भी कोई उसमें ग्लिसरीन या ऑयली बेस्ड चीज़ डलती है, वो सिस्ट बना देती है, और सिस्ट ऐसे बनते हैं जो परमानेंट सिस्ट हो जाते हैं या इरीटेशन हो जाती हैं। तो अभी हमने कुछ नहीं करना, आपकी वो चीज़ें हमने रोकी है, और आपकी जो छोटे छोटे सिस्ट हो रहे हैं, जो बन गए हैं पूरे बारीक बारीक से, वो क्लियर होंगे, कॉटरी होगी, उसे साफ़ हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर मैं आपकी क्लैरिटी के लिए चीज़ें दूंगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।